Hello students, good morning. पिछले क्लास में हमने देखा कि फाइबर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, इसके नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स वैसे फाइबर्स जो प्लांट्स एंड एनिमल से प्राप्त होते हैं, तो प्लांट एंड एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं, तो वुल हो गया, सिल्क है, जूट, पर दीज आर नेचुरल फाइबर्स। जूट प्लांट से प्राप्त होता है, पर प्लांट से प्राप्त होता है, वुल एनिमल से, सिल्क एनिमल से, ये सभी नेचुरल फाइबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वुल। सबसे पहला फाइबर जो है एक जानकारी और आपको दे दें कि आप प्रिपरेशन जो है सब्जेक्ट का थोड़ा तेजी से करें, जो मटेरियल अभी तक नहीं भेजे गए हैं वो चीजें आपको लेसन से रिलेटेड दे दी जाएगी, और आपको स्टडी मटेरियल में कुछ और भी चीजें आपको प्रोवाइड किया गया है नोट्स के रूप में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में दिए जाएंगे, तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो पेपर होगा वो केवल क्वेश्चन आंसर के नहीं होंगे, यानी कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है केवल उससे नहीं, बल्कि उनके अलावा जो आपको लेसन है, लेसन में जो टॉपिक है उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि लेसन के बीच से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पेपर सही ढंग से आप कर सको इसके लिए आपको हर टॉपिक को समय देकर मन से स्टडी करना होगा। जो भी नोट्स दे रहे हैं, इधर से नोट्स ज्यादा दिए नहीं है, तो अब आपको नोट्स भी और मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर भी जो लेसन हो चुके हैं उनका प्रोवाइड किया जाएगा, तो याद करने का जो आपका प्रोसेस है उसे आप पूरा करो, यानी याद करना आप शुरू कर दो, जल्दी आपका एग्जाम का डेट अनाउंस होने वाला है, यानी कि इस महीने के लास्ट तक या नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक के बाद आपका एग्जाम होगा। तो एक साथ क्या है, सारा लेसन याद करना इजी नहीं है। मान लेते हैं आप में से बहुत ये सोच के चलते हैं कि अभी क्या है, टाइम है, जब टेस्ट होगा, जब एग्जाम होगा तब याद करेंगे, तो क्या होता है उस समय तक आपको फोर लेसन, फाइव लेसन हर सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाता है, और फिर अचानक से एग्जाम के टाइम में एक साथ फोर लेसन, फाइव लेसन कंप्लीट करना बाय हार्ट करना इजी नहीं होता। लेकिन अभी से चूंकि पर डे जो आपका स्टडी सिलेबस है वो शॉर्ट होता है, यानी एक छोटा छोटा सा टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाता है, और एक छोटे से टॉपिक को प्रिपेयर करना काफी इजी है, यानी आप एग्जाम बेहतर करना चाहते हो, एग्जाम की तैयारी अच्छी हो, तो आप रेगुलर प्रिपरेशन आप करते रहे, यानी अभी से हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आप चालू करें। आपका चैट बॉक्स जल्दी ओपन नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप अननेसेसरी मैसेज भेजते हैं, डाउट क्वेश्चंस आप नहीं पूछते, चैट बॉक्स किसी तरह का मैसेज आप सेंड नहीं करोगे, एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम वो भी सब्जेक्ट से, टॉपिक से रिलेटेड, ना कि हमारा नेट धीरे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, क्या है, कॉपी है, नहीं है, क्या करना, ये सब नहीं, केवल लेसन और टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम कि आपने टॉपिक पढ़ा, लेक्चर सुना, नोट्स भी देखे, फिर भी अभी आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत है, तो वो क्वेश्चन ग्रुप में आप डालेंगे। तो इस बार चैट बॉक्स जब ऑन रहेगा, जो ऑफलाइन चैट बॉक्स होता है, तो हम इस बार ऑन रखेंगे,
लेकिन उसमें हम ध्यान देंगे कि आप क्या मैसेज करते हो। अगर आपका मैसेज केवल क्वेश्चन के रिगार्डिंग रहा, सिलेबस के रिगार्डिंग रहा, टॉपिक के रिगार्डिंग है, तब तो इसे कंटिन्यू करें। दूसरा, जो अननेसेसरी मैसेज करेंगे, रिमूव तो किया ही जाएगा, उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पर भी पड़ेगा। यानी ये साफ जाहिर होगा कि आप पढ़ते कम हो, अननेसेसरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो उसका आपको रिजल्ट पर, पर्सनली आप पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी करने के बावजूद अगर आप ऐसी हरकतें करते हो, इससे साफ पता चलता है कि स्टडी में ज्यादा आप इंटरेस्टेड नहीं। तो जो भी लेसन हो चुके हैं, जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि इसे देखने के बाद, रिकॉर्डेड वीडियो भी सुनने के बाद, नोट्स देने के बाद भी लग रहा है, ग्रुप मीटिंग लगाने के बाद भी कि अभी यह क्लियर नहीं है, तो आप उसे क्वेश्चन के रूप में या प्रॉब्लम के रूप में, टॉपिक के रूप में आप मैसेज करेंगे, ओनली टेक्स्ट मैसेज। और चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स लाइव चैट बॉक्स नहीं, जो इसके बाद भी ऑन रहता है उस चैट बॉक्स में, और आपको उसका रिप्लाई उसी बॉक्स में मिलेगा। तो एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए, जितना बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं, जितनी आपकी एनर्जी है उसका 100% देने का प्रयास कीजिए कि आगे के नेक्स्ट क्लास में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और आप इसके लिए हैबिचुअल हो जाए। यानी आपकी आदत जो है, जब किसी का वर्क उसका हैबिट बन जाता है तो वर्क करने का एक अलग इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट का वर्क क्या है? स्टडी करना। और अगर स्टडी हैबिट बन जाए, यानी पढ़ना आपकी आदत बन जाए, तो पढ़ाई आपको बर्डन फील नहीं होता, भार नहीं लगता, फिर आप उसे एंजॉय करने लगते हो। और ये चीजें जब तक आप नहीं करते हो, तब तक जो रिजल्ट आपको चाहिए, जैसा आप कर सकते हो, जिस लायक हो, वो आपको नहीं मिलने वाला। यानी आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब, अपनी एबिलिटी के हिसाब से रिजल्ट चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने आप को सेट करना होगा। माइंड को, मन को बिल्कुल स्टडी के प्रति एक्टिव करना होगा। जितना आप पढ़ाई से रिलेटेड चीजें सोचेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, चीजें उतनी इजी होंगी। आप करते क्या है, अक्सर हम बहुत से बच्चों को नोट किए हैं कि आप जब क्लास कर रहे हो तब तो ध्यान देते हो, तो उसमें भी कुछ बच्चे जो नहीं देते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पर आप डिस्कस ही नहीं करते, ना खुद से ना किसी और से। जैसे अभी लॉकडाउन है, तो हो सकता है कि आप घर पे ही रहते हो, तो खुद से डिस्कस कीजिए। तो खुद से डिस्कस करने का मतलब, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके बारे में सोचिए क्या होता है, कैसे होता है, उसे लिखिए, बुक में रीडिंग लगाइए, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसे रीड कीजिए। तो ये होता है सेल्फ डिस्कशन, अपने आप में डिस्कस करना, और तब आपको यह क्लियर होता है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है। अभी आप क्लास 7 में, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, जब तक ये चीजें आप में इंप्रूव नहीं होंगी, आप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता करने के लिए आपको टाइम देना होता है। यानी जब क्लास जो भी है 11:30, 12, तो ये 12 बजे तक का जो क्लास है, उसके बाद का टाइम आप कैसे यूज करते हो, वो यह डिटरमाइन करता है कि आपका रिजल्ट, आपका प्रिपरेशन कैसा होगा। तो एग्जाम का डेट अनाउंस होने वाला है, आपको जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो एग्जाम होंगे, फिर से बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपको लेसन के बीच से आएंगे, लास्ट के भी आएंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट का नहीं आएगा, एक्सरसाइज नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लेसन के बीच में से भी क्वेश्चन होंगे। कल के डेट में ऐसा ना हो कि सर ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो टॉपिक है, आपको क्लास में पढ़ाया गया है,
पूरा टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में है, तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकते हैं, बस वो टॉपिक आपके सिलेबस में होने चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वुल। जनरली वुल इज ऑब्टेंड फ्रॉम शिप, भेड़ से प्राप्त होता है, एंड मेनी अदर एनिमल्स, और भी बहुत सारे ऐसे दूसरे एनिमल्स हैं विच प्रोड्यूस वुल, जो ऊन प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैमल, रैबिट, गोट, याक, दीज एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस वुल। क्या सभी एनिमल्स के द्वारा जो वुल प्राप्त होते हैं, क्या सभी की क्वालिटी सेम होती है, सभी का यूज, सभी का जो यूजेस है वो सेम होता है, क्या सभी एक ही मटेरियल को तैयार करने में यूज होता है, नहीं। तो डिफरेंट एनिमल्स के वुल्स की प्रॉपर्टी, उनका फीचर्स डिफरेंट होता है, अलग अलग एनिमल्स के से प्राप्त होने वाले वुल जो होते हैं उनका फीचर्स, उनका क्वालिटी डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिटी दे आर यूज फॉर मेकिंग द आइटम्स, फॉर मेकिंग द मटेरियल्स, उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाता है। अगर सिप की बात करें तो सिप में भी बहुत सारे ब्रीड होते हैं, बहुत सारे नस्ल होती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिप के भी बहुत सारी नस्लें होती है, और सबके जो यूजेस होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब एक ही एनिमल में इतने वैरायटी हो सकते हैं, तो अलग अलग एनिमल से प्राप्त होने वाले वुल में और भी वैरायटी होती है। सिप से जो ऊन प्राप्त करने का प्रोसेस होता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ वुल फ्रॉम सिप अंडरगोज मैनी स्टेप्स। सिप से ऊन प्राप्त करने में कई प्रोसेस होते हैं, सीयरिंग, स्कोरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, दीज आर द प्रोसेसेस विच आर डन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम सिप। ये वो प्रोसेस हैं जो भेड़ से, सिप से उन प्राप्त करने के समय किया जाता है। इन दिस डे बाय द हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, द डोमेस्टिकेशन हैज स्टार्टेड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सिप दैट इज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट एंड फाइन फ्लिक। ऐसे सिप का डोमेस्टिकेशन किया जाता है जो सॉफ्ट फाइन टेक्सचर के हेयर और फ्लिक जिसमें होते हैं, ऐसे सिप का प्रोडक्शन किया जाता है, रियरिंग किया जाता है। यानी रियरिंग ऑफ सिप जो होता है तो इसमें सेलेक्ट किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सेलेक्टिंग ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिंग ब्रीडिंग क्या होता है कि ऐसे ब्रीड का, ऐसे नस्ल का चयन करना, सिप के ऐसे ब्रीड को चूज करना जो एक फाइन टेक्सचर का वुल प्रोवाइड करता हो, सुंदर आकर्षक शाइनिंग अपीयरेंस वुल प्रोवाइड करता हो, सॉफ्ट हो, इलास्टिक हो, स्ट्रेचेबल हो, ये सारे क्वालिटी को देखे जाते हैं। जनरली सिप दो प्रकार के फाइबर्स प्रोवाइड करता है, वुल फाइबर्स, एक जो हेयर होता है और एक हेयर के नीचे जो थिक लेयर ऑफ फ्लिक होते हैं। आप में से अगर सिप देखे हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, अब जब उनके हेयर की कटिंग कराई जाती है तो उसके नीचे थिक लेयर होते हैं, उस थिक लेयर का भी यूज फाइबर बनाने में किया जाता है। तो दोनों की क्वालिटी डिफरेंट होती है। अब क्या सीधे उसे हम लोग अलग करके उसे यूज करते हैं, नहीं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला कि बॉडी ऑफ सिप से
हेयर को अलग करना, फ्ली को अलग करना सीयरिंग कहलाता है। सीयरिंग, सीयरिंग दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हेयर, रिमूविंग द फ्लिप फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज नोन एज सीयरिंग। शिप के बॉडी से हेयर को, फ्लिप को अलग करने के प्रोसेस को, अलग करने के मेथड को सीयरिंग कहा जाता है। सीयरिंग कैसे किया जाता है? सीयरिंग जो करता है उसे क्या कहते हैं? तो द पर्सन, द मैन हु सीयर इज नोन एज सीयरर, यानी सीयरिंग करने वाला सीयरर कहलाता है। जो सीयरिंग करता है, जो हेयर की कटिंग करता है उसे सीयरर कहते हैं। एंड सीयरिंग इज डन बाय यूजिंग द सम स्पेशल टूल्स लाइक रेजर, सीसर एंड मशीन। आजकल क्या मशीन भी चल गई कटिंग करने वाली, सीधे मशीन लगाते हैं और बिल्कुल विद फ्लिप विद हेयर उसको स्मूथली रिमूव कर दिया जाता है। जनरली जो सीयरिंग प्रोसेस होते हैं ये समर सीजन में किए जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ जनरली खास करके जो ठीक लेयर जिसके ऊपर होते हैं हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये विंटर सीजन में उन्हें कोल्ड क्लाइमेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द लो टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट। तो जनरली इसका जो प्रोसेस है सीयरिंग का वो समर सीजन में किया जाता है, यानी हेयर की कटिंग, फ्लीक को रिमूव करना समर सीजन में किया जाता है ताकि विंटर सीजन आते आते फिर से उसके बॉडी पर ये फ्लीक ये हेयर उग आए, जिससे कि विंटर सीजन में वो कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाई इज सीयरिंग टेकन इन द समर सीजन? सीयरिंग समर सीजन में होता है क्यों? सो दैट द फ्लीक एंड हेयर ग्रोन अप टू विंटर सीजन विच प्रोटेक्ट the sheep from the low temperature of the climate। summer season में इसलिए किया जाता है ताकि winter आते आते फिर से hair flick उसमें develop हो जाए, grow हो जाए और उसे winter season में cold climate से अपने आप को protect कर सकता है। camel भी बहुत सारे होते हैं जो कि वूल प्रोवाइड करते हैं, बहुत से रैबिट होते हैं जो बिल्कुल फाइन टेक्सचर के, फाइन लस्टरस शाइनिंग अपीयरेंस का वूल प्रोवाइड करता है, जिसका यूज हम ब्लेडिंग विद शिप हेयर के साथ भी करते हैं, यानी शिप से जो वूल प्राप्त होते हैं उनके साथ मिक्स कर किया जाता है और उसका एक स्पेशल क्वालिटी स्पेशल फीचर तैयार किया जाता है। याक भी जो है वो वूल प्रोवाइड करता है। जनरली जो वूल प्रोडक्शन होते हैं स्पेशली इन इंडिया, दैट मींस इन आवर कंट्री इन इंडिया देयर आर मेनी स्टेट्स व्हिच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वूल, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड एंड सो ऑन। ये सारे वो स्टेट हैं जो काफी लार्ज स्केल पर वूल प्रोडक्शन करते हैं, यानी ये स्टेट हैं जहां वूल प्रोडक्शन ऊन उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। तो आज ब्रीफ में संक्षिप्त रूप से आपको प्रोसेस को हम मेंशन करेंगे, रियरिंग क्या है, सीयरिंग क्या है, स्कोरिंग क्या है, ग्रेडिंग क्या है, सॉर्टिंग, डाइंग, तो ये सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो
आप हेडिंग दोगे द प्रोसेस आर डन ड्यूरिंग द वूल प्रोडक्शन ये सभी प्रोसेस जो वूल प्रोडक्शन में किए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सीयरिंग, क्या होता है सीयरिंग, सेकेंड इज स्पॉरिंग, थर्ड ग्रेडिंग, फोर्थ सॉर्टिंग, फिफ्थ स्पाइनिंग, एंड ड्राइंग। क्या क्या है? सीयरिंग, स्कोरिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, स्पाइनिंग, ड्राइंग, ड्राइंग। दीज आर द कॉमन प्रोसेसेस विच आर डन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड। ये वो कॉमन प्रोसेस है जो ऊन उत्पादन करते समय किए जाते हैं। First of all, we will see shearing. Shearing, that means the removal of fleet or hair from the body. The removal of fleet or hair from the body of sheep. Sheep के body से hair को, fleet को अलग करने के process को, remove करने के process को shearing कहा जाता है। Scouring, scouring क्या होता है कि जो remove किया गया, that is the process of washing, process of washing the remove is known as scouring। अब जो आपने कटिंग किया उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे डस्ट है, ग्रीस है, डर्ट है, उन सभी को साफ किया जाता है। सर्फ के साथ, डिटर्जेंट के साथ इन कटिंग किए गए हेयर को, फ्लीक को अच्छी तरह से धोया जाता है, उसे साफ किया जाता है, तो उस प्रोसेस को स्कॉरिंग कहते हैं। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग दैट मींस द ग्रुपिंग ऑफ, ग्रुपिंग ऑफ वूल फाइबर्स according to its features, then according to its feature, तो its features का मतलब उसके length के अनुसार, उनके softness के अनुसार, उनके shining appearance के अनुसार, उनके texture के अनुसार उनको grouping करना, यानी सेम प्रॉपर्टी वाले, सेम फीचर वाले हेयर को, फाइबर्स को एक साथ करना या ग्रेडिंग कहलाता है। तो ग्रुपिंग ऑफ फाइबर्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के आधार पर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर
इनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग दैट मीन सेपरेटिंग, सेपरेटिंग ऑफ फाइबर्स, सेपरेटिंग ऑफ फाइबर्स अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। According to its quality के अनुसार separate करना fibers को। होता क्या है कि fibers जो है उसमें से कुछ long length के होते हैं, कुछ उसमें छोटे छोटे होते हैं, टूट जाते हैं, या वो cutting in small pieces में होते हैं, तो वो जो small pieces of fibers होते हैं उनको चुना जाता है, pick किया जाता है और उनको चुन चुन कर अलग कर दिया जाते हैं। बर्ड्स के रूप में हम देख सकते हैं कि विंटर सीजन में हम जो स्वेटर वियर करते हैं, ऊन का जो स्वेटर पहनते हैं, उसमें भी बहुत सारे रसेस निकलते हैं, नहीं यानी स्मॉल बर्ड्स उस पर अपीयर होता है। वो जो स्मॉल बर्ड्स है दैट इज द फ्लफी, वो फ्लफी है, उसी को फाइबर से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेटिंग ऑफ फाइबर्स according to its quality is known as sorting. Sorting that means the process of separating. The process of separating is known as sorting. As finally, अब grouping हो गया, sorting हो गया, अब क्या जाता है कि जो sorting किया हुआ यानी quality के अनुसार जिसे हम separate कर लिए हैं उस fibers को स्पून किया जाता है, इसमें यार्ड के रूप में, यानी कि उसको यार्ड के रूप में तैयार किया जाता है। अब उस यार्ड को, उस धागे को ड्राई किया जाता है, क्योंकि जनरली जो फ्लिप होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो सीधा हमें सींग से प्राप्त होते हैं, वो या तो ब्लैक होते हैं या व्हाइट होते हैं या ब्राउन होते हैं। अब उसे हम डिफरेंट कलर्स में ड्राई करते हैं, अपने इच्छा अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार डिफरेंट कलर में उसको ड्राई किया जाता है। नाउ ड्राइंग, अब उसे अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है और वो अब फैब्रिक बनने के लिए तैयार है, कपड़े बनने के लिए, कपड़े बुनने के लिए, वीविंग के लिए, नीटिंग के लिए तैयार है। वीविंग नीटिंग दैट मींस द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस इन विच द यार्न इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, धागे का फैब्रिक में, क्लॉथ में जो बनाने का प्रोसेस है, कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको वीविंग कहते हैं या नीटिंग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप प्रिपरेशन करते रहें। दैट्स ऑल।